वेल आई एम नॉट दैट गुड एट स्क्रिप्ट राइटिंग, बट कहानी खुद की होगी तो बताना आसान होता होगा, नहीं? बट इट्स नॉट दैट सिंपल, पर कभी कभी वो भी नहीं हो पाता, कौन से शब्द लिखने हैं, कौन से बोलने हैं, कन्फ्यूज्ड। कोई शब्द लिखते समय तो ठीक लगते पर बोलते समय अजीब लगते हैं, या हो नहीं है, नहीं हो हो। और अगली वीडियो की स्टोरी लिखते समय कुछ ऐसा ही हो रहा था। एन आइडिया इज नॉट एन आइडिया अंटिल यू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, पुटिंग इट ऑन पेपर मेक इट्स रियल एक्शनेबल एंड रेडी टू ग्रो, बट दैट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। मैंने लिखा बट पसंद नहीं आया, फिर लिखा पसंद नहीं आया, लिखो फाड़ो, ये सिलसिला कई बार चला। शॉर्ट में कहूँ तो आई वॉज जस्ट ओवर थिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। एक तो ये काम करते करते रील देखने की गंदी आदत लग चुकी है, bro. If your brain is on a break, then you should also take a break. Bro, let's go. Wait, ये तो nature वाली जगह है ना? So पुणे में 5 से 6 साल हो चुके हैं, पर कभी भी मैंने इस प्लेस या फूलों के बारे में नहीं सुना था। दीज आर कार्वी फ्लावर्स जो 7 से 8 सालों में एक बार उगते हैं। फिलहाल इस जगह की इंस्टाग्राम पे बहुत हाइप बनी हुई थी, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स वे लाइक इंस्टाग्राम की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली रील देखकर मुझे मना कर रहे थे। बट वंस इन अ 7 ईयर्स वाली बात है यार, हाउ कुड इट बी मिस्ड। मेरा कहना तो बस इतना सा था कि लोग तो रहेंगे ही, लोगों का तो काम है रहना और कहना, क्या पर उसकी वजह से हम ऐसी मैजिक प्लेस मिस कर दें? एवरीवन वाज हैप्पी अराउंड देयर, चेरिशिंग द वंडरफुल प्लेसेस एंड फ्लावर्स। प्लेसेस लाइक दिस व्हिच आर सो यूनिक मेक्स पीपल वॉन्ट्स टू गो आउट देयर, एंड आई वॉज नॉट गोना मिस दिस बिकॉज ऑफ पीपल्स। I was also happy seeing everyone. Although we can't stop them, at least we can be happy by our choice. Honest review. सद्या कारवी फुले बघायला आलोय. हां. जसे जशी कारवी फुले फुलले तसं पतेचं आयुष्य फुललं पाहिजे आपलं. हेच मला संदेश सांगायचा होता. मग तो म्हणजे हेच गोष्टीत आहे.